हेलो गाइस, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है रात के 9 बजे रैपिड फायर शो में। और फिजिक्स के आज महत्वपूर्ण प्रश्न जिसमें आपको ऑप्शन के द्वारा समझाया जाएगा। जैसे कि कल न्यूमेरिकल का क्लास आप सभी विद्यार्थियों को बहुत पसंद आया, हमने कमेंट भी देखे जहां पर आप प्रसन्न चित्त एमओजी बनाकर भेजे थे, तो अच्छा लगा आप सभी का कमेंट। आइए विजिट करते हैं अपने नए प्रश्न के साथ और कम समय में अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बताइए, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है, पूछा किसके बारे में गया है? अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है केवल गैस में, द्रव्य में, द्रव गैस एवं ठोस तीनों में, या द्रव तथा गैस में। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? आप जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंग तीनों में उपस्थित किया जाता है, द्रव हो चाहे गैस हो चाहे ठोस हो, यानी तीनों में उत्पन्न होगा। ऑप्शन नंबर सी सभी का सही चल रहा है, सभी विद्यार्थियों ने तीसरा ऑप्शन दिया यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते भाई। अगला कहता है गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती। गैसों में आप कहेंगे मैम अभी आपने पढ़ाया कि अनुदैर्ध्य तरंग तीनों में उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन दूसरा प्रश्न कहता है कि गैसों में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि गैस पतली होती है। एकदम गलत, ऐसा कोई कथन गलत है भाई। गैसों में दृढ़ता नहीं होती, गैसों का घनत्व कम होता है, गैस तेजी से दौड़ती रहती है। ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए जो कि आपके आम बोल चाल की भाषा है भाई, ये तो दोनों ऑप्शन कट गए। आप कहेंगे गैसों की जो दृढ़ता होती है बच्चा वो नहीं होती, गैसों में दृढ़ता नहीं होती, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक में जिस स्थिति पर न्यूनतम त्वरण मिनिमम वाला बच्चा पूछा, मिनिमम एक्सीलरेशन के बारे में होगा, वो क्या होता है? अधिकतम विस्थापन की स्थिति, अधिकतम आयाम की स्थिति, साम्य स्थिति, या निम्नतम यानी मिनिमम आयाम की स्थिति। कौन सा ऑप्शन सही होगा? किसके लिए आप कहेंगे कि सरल आवर्त गति करते हुए सरल लोलक जिस स्थिति पर न्यूनतम यानी मिनिमम एक्सीलरेशन होगा वो स्थिति क्या कहलाएगी? साम्य स्थिति कहलाएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा जो कि बिल्कुल सत्य है और सही है। आगे चले प्रश्नों के साथ। आइए अगला प्रश्न देखिए। सरल आवर्त गति में प्रत्यायन बल निर्भर करता है गोले पर, किस पर? गोले की बात की गई है। सरल आवर्त गति में प्रत्यायन निर्भर करता है, प्रत्यायन बल निर्भर करता है गोले का, किस पर? वेग पर, द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, ऊर्जा पर। द्रव्यमान पर तो कोई लेना देना नहीं है, द्रव्यमान का कहीं सूत्र में भी नहीं है, तो आप कहेंगे विस्थापन जो है मैडम जी विस्थापन पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर हो जाए, विस्थापन किसके बराबर? आयाम के बराबर हो जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? आयाम के बराबर हो जाए, आयाम के बराबर तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? उच्चतम होगा, शून्य होगा, न्यूनतम होगा, इसमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? कितने विद्यार्थी बता रहे हैं? सरल लोलक में अगर विस्थापन बच्चा आयाम के बराबर हो जाता है तो स्थिति क्या हो जाती है? न्यूनतम हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने। सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन धीरे धीरे घटता है, कैसे घटता है? धीरे धीरे घटता है और आवर्त काल धीरे धीरे, यानी अगर विस्थापन धीरे धीरे घट रहा है तो आवर्त काल क्या होगा? तो आवर्त काल भी बच्चा क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा। आवर्त काल भी क्या होगा? धीरे धीरे घटता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति बहुत दूर से सायरन की आवाज सुनकर अपनी घड़ी मिला लेता है तो उसकी घड़ी बतलाएगी। एक व्यक्ति दूर से सायरन की आवाज सुनकर बच्चा अपनी घड़ी को मिला लेता है तो उसकी घड़ी बतलाएगी ठीक समय, कुछ अधिक समय, कुछ कम समय, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा। अधिक बताएगी ना, कुछ अधिक बताएगी, क्या होगा, क्या हो जाएगा? नहीं, एक व्यक्ति ना, देखिए व्यक्ति क्या कर रहा है, सायरन की आवाज सुनकर अपनी घड़ी को मिलाता है। सायरन की आवाज बच्चा वहां से सुनाई दिया तो कुछ कम या कुछ धीमे सुनाई दिया होगा, है ना? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? कुछ कम समय, यानी कुछ घड़ी क्या बताएगी, कुछ समय क्या बताएगी? कम बताएगी, एक दो मिनट का अंतर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला। वायु में जल वाष्प की मात्रा बढ़ने पर ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर जल वाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, अगर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो ध्वनि के वेग पर पहले से क्या हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने। वायु में ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में 230 मीटर पर सेकेंड,
कितना 230 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, तो जल में ध्वनि चलेगी। जल में ध्वनि कैसे चलेगी बताइए बच्चा। जल में ध्वनि आपको दिया कि अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में वायु में ध्वनि की गति से अधिक गति पर, या आप कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में वायु में ध्वनि की गति से अधिक गति। बच्चा सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अनुदैर्ध्य तरंग में चलेगा, अनुप्रस्थ वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, अनुप्रस्थ वाला तो ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि ध्वनि कैसी है, अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग में ध्वनि की गति से अधिक गति पर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी खत्म। अनुप्रस्थ वाला तो आप ऐसे ही काट देंगे, क्योंकि ध्वनि किसमें होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में होती है, उसमें श्रृंग और गर्त मिलेगा। अनुप्रस्थ में क्या मिलेगा, संपीडन और विरलन मिलेगा, तो अनुप्रस्थ वाला तो ऐसे ही कट जाएगा। अगला देखिए, लोहे की छड़ को भीगे हुए चमड़े से पकड़कर रगड़ने से छड़ में उत्पन्न होती है, क्या उत्पन्न होगी, क्या पूछा है कि लोहे के छड़ को भीगे हुए चमड़े से पकड़कर रगड़ने पर उत्पन्न होगी अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, परास्रव्य तरंग, या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा भैया, तो कहेंगे अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होगा, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन में, जलवाष्प में, सूक्ष्म वायु में। आप जानते हैं ठोस वस्तु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, अब यहां बताना है कि किसमें होगा, तो बच्चा जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि विरल से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है, क्या क्या चीजें बदलेंगी, बदलता है, तो बच्चा आयाम का कोई ले, आवृत्ति क्या रहती है, फिक्स रहती, अपरिवर्तित रहेगी, ये तो कतई नहीं बदलेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए अपरिवर्तित रहेगी, आयाम का कोई लेना, तरंग धैर्य बदल जाता है, तरंग धैर्य बदल जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से जो कि कल हमने बताया था कि अगर दाब और ताप पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, एक ही दाब और ताप पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी, कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, हाइड्रोजन में, चार ऑप्शन है, बताइए कहां पर सबसे अधिक होगी, तो हाइड्रोजन में, जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा पूछा था कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहां होता है, तो हाइड्रोजन में होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा रोटेट कर दिया कि एक ही दाब और एक ही ताप पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होगी, तो बच्चा हाइड्रोजन में होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, चंद्रमा की सतह पर एक तोप चलाई जाती है, अब लीजिए चंद्रमा की सतह पर क्या चला, एक तोप चला है, और जब एक तोप चलाई जाती है तो पृथ्वी पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी, अच्छा चंद्रमा पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी, दोनों पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी, या इनमें से कोई नहीं, अरे चंद्रमा की सतह पर हमने तोप चला दी तो दोनों पर बच्चा ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि बिल्कुल सही है। और ये पूरे आपके 15 क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट हुए, कंसेप्ट था, बेस था, सिलेबस का था, प्रीवियस ईयर में पूछे गए तथ्यों पर था, तो आज पूरा कंप्लीट हुआ, रैपिड फायर का अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ, ध्वनि पर दाब तथा ताप का वेग किसमें अधिक है किसमें कम है, सभी क्वेश्चन सरल आवर्त के विस्थापन अगर बराबर कर देते तो क्या होता है, विस्थापन का मान कब अधिकतम होता है, सारे प्रश्न आपके इस क्लास में कंप्लीट हुए। विजिट करना मत भूलिएगा रेसवा एकेडमी पर, कल 11 बजे आपका महासंग्राम है, तो मिलते हैं कल 11 बजे वाले क्लास में महासंग्राम के साथ, सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा पेन कॉपी लेकर। तो आज के लिए इतना ही, शुभ रात्रि।